और हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। Subscribe my channel. You will forget. Subscribe now. Traveling habit. Okay. इनको हमने कर दिया बाय बाय। अब हम करते हैं मोनेस्ट्री। ये है ओल्ड मोनेस्ट्री ताबो, पीछे न्यू है। तो पहले हम ओल्ड चलेंगे। तो अब हम ताबो मोनेस्ट्री में एंट्री करने जा रहे हैं। ये है वर्ल्ड ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री, फाउंड हुई थी 996 में। रिकॉर्डिंग अलाउड ही नहीं है। ये पूरा मड है। ये सारा जो है ना, ये मड का है, और मड के साथ स्पीति की जो रेत टाइप की मिट्टी होती है ना, वो मिला हुआ है। और हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। मैत्रेय है यहाँ पे टेंपल, जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था अर्थक्वेक के अंदर। तो उसको देखने के लिए हमने स्पेशल इनसे पूछा है, क्योंकि वो लॉक पड़ा हुआ है। अब ये जा करके इन्होंने हमारे साथ इनको भेजा है। ये ले जा रहे हैं हमें, मैत्रेय देखेंगे हम, जो कि भी लॉक है उसको अनलॉक करवाते हैं। पर शूटिंग तो उसमें अलाउड है नहीं होगी सर, अलाउड ठीक है तो कोई बात नहीं, कहीं भी अलाउड नहीं है भाई। बहुत मज़ा आया, जैसे मैंने पहले बताया था नाकों में जो बोनसी थी वैसा ही पीस यहाँ भी था। गाइस इसको तो हर जगह डर लगता है। यार गुफा देखो क्या दिखा मुझे। ये सब लामा लोग इसके अंदर ना वो करते थे मेडिटेशन। ताबो मोनेस्ट्री के बाहर ही नया बना है स्तूपा। और यार ताबो मोनेस्ट्री के अंदर है ना जो पेंटिंग्स है ना, वो पेंटिंग्स के अंदर नक्काशी हो रखी है गोल्ड की। देखो कितना बड़ा गुड लक है, देखते हैं घूमता नहीं घूमता पूनम से। वाह भाई वाह, पूनम ने तो घुमा दिया, क्या बात है। इसमें तो बेल भी कनेक्ट है ऊपर। अब हम जा रहे हैं यहाँ से धनकर मोनेस्ट्री, जो कि अप्रॉक्स 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा हमें। ताबो विलेज काजा से पहले ही ऊपर धनकर के लिए कट मिल जाएगा राइट में, हम धनकर जाएंगे। और ये रिवर कौन सी है यार, स्पीति रिवर है क्या साथ साथ जो है। तो देखिए भाई काजा की तरफ जाते हुए कितना ब्यूटीफुल सीन है, सिमिलर टू लद्दाख।
धनकर मोनेस्ट्री की तरफ जाते हुए हमें रास्ते में ये व्यू मिला, तो हमने अपनी गाड़ी वहाँ पार्क कर दी है और वॉकिंग डिस्टेंस थोड़ा सा ही था, नीचे आ गए। व्यू देख रहे हो कितना मस्त है, व्यू में चार चांद है ना, इस टाइप की नदी लगाती है जिससे कोई खतरा भी नहीं होता और आप पैर डाल के फिर टाइम इसमें बैठ सकते हो। बट हाँ, बहुत ठंडा पानी है, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। 6 बज गए हैं तो यही धो आकर के। अरे वाह, ये क्या मजाक है। चलो भाई चलते हैं, लेट हो गए। गए हैं ओल्ड मोनेस्ट्री, देख रहे हो क्या स्ट्रक्चर्स है। स्ट्रक्चर देख के ही दिल आ जाएगा कि यार समथिंग डिफरेंट। ऑलमोस्ट 3845 मीटर की हाइट पे हम, जो कि 12,500 के आसपास है, 12,000। तो ये रास्ता जा रहा है मोनेस्ट्री की तरफ। वाओ, व्हाट ए ब्यूटी। कितना गंदा है। देख रहे हो, बच्चों के साथ ब्लॉगिंग नहीं होती इसलिए। अमेजिंग यार। तो मोनेस्ट्री तो देख के आ गए हैं, पर एक ही चीज़ है, आप किसी भी मोनेस्ट्री के अंदर शूट नहीं कर सकते, तो हम दिखा भी नहीं सकते। उसके लिए तो आप लोगों को विजिट करना ही पड़ेगा। बट ये जरूर बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि भाई मस्ट कम प्लेस है, आपको एक बार आना चाहिए और जो पीस मिलता है ना उसको फील करना चाहिए। बाकी क्या है, बाकी सब बढ़िया। चलते हैं, ऊपर व्यू पॉइंट है, धनकर का कम्प्लीट हो जाएगा, फिर देखते हैं यहाँ रुकते हैं या कहाँ से चलते हैं। ठीक है, ठीक है। हाइट पे है तो थकान हो जाती है थोड़ा सा चढ़ते ही। देखो केव, देखो एक वो, देखो है क्या, बहुत चलना है अभी आगे। हम यहाँ से आगे हैं तो कोई बात ही नहीं। चल बेटा, यहाँ पे ना फिसल सकते हैं, ठीक है, पापा के साथ चलो आप। बकरी तो बहुत अच्छी थी। ये गलत जगह है भाई, यहाँ से आप लोग गिर सकते हो, बहुत स्टीप है ये। लेकिन गाइस, अगर साथ में आपके साथ बच्चे आए ना, तो वो कृपया हाथ पकड़ के चलना उनका, ठीक है। बात तो सही है। देखो हम कहाँ पर आए, पता है, धनकर मोनेस्ट्री के सबसे टॉप पे, जिसको व्यू पॉइंट भी कहते हैं। ये है धनकर मोनेस्ट्री। एक्चुअल में वो तो घर होटल्स वगैरह है, और जो मोनेस्ट्री है वो ये है, नीचे हम दिखा चुके हैं आपको। बस ये व्यू पॉइंट है यहाँ का। अब हमारा धनकर मोनेस्ट्री भी हो चुका है और यहाँ पे व्यू पॉइंट है, ये भी हो चुका है। अब हम चलते हैं काजा की ओर, क्योंकि टाइम है। अगर आप धनकर आ रहे हो ना और आपका प्लान है काजा जाने का सेम डे या सेम टाइम, तो आप है ना धनकर की मोनेस्ट्री के पास ही काजा का एक रास्ता निकल रहा है, थोड़ा सा इस टाइप का रास्ता है, आप देख लो। बट ये रास्ता 28 किलोमीटर का है और नीचे से जाओगे तो आपको 34 किलोमीटर है, तो आप देख लो 6 किलोमीटर का डिफरेंस वही है। मतलब कि आप जितना ऊपर चढ़ के आए हो उतना नीचे उतरना पड़ेगा, वो प्लस हो जाएगा, प्लस में टाइम हो जाएगा, तो वो 1.5 घंटे का है, तो ये 1 घंटे का है। और इस टाइम बज गए हैं 7:15 और हम निकले हैं धनकर से काजा के लिए। अगर जीपीएस के थ्रू गए तो 8:15 तक पहुंच जाएंगे,
वरना पौने दो तो लास्ट है। भाई रात हो गई है पर मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा, मैंने कैप्चर कर लिया। अभी आईफोन की क्वालिटी है कि इस लाइट में भी वो ऐसी फोटो ले रहा है। भाई फिलहाल बात ऐसी है, हम हैं काजा में और रूम यहाँ पे नहीं है, होम स्टेज भी एक मिला हमें, होम स्टे नहीं होटल टाइप का ही मिला यार, लेकिन इतना गंदा था रूम, मन नहीं किया, कई जगह भाग लिए। फिलहाल तो हम खाना खा रहे हैं, फोकस नहीं आ रहा, गाड़ी में सोए हैं या वही जो गंदा था देखा था रूम वही लें, एक आज आज की बात है, बाकी कल हमने बात कर लिया, कल तो मिल जाएगा हमें, क्योंकि आने वाले एक दो दिन हम अभी काजा में ही रहेंगे। फिलहाल खाना खाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, कहाँ रुकते हैं। तो फाइनली हमें होम स्टे मिल गया है, बहुत ही अच्छा होम स्टे मिला है, गुड नाइट, कल मिलते हैं, बाय। यार ये चीज़ तो मुझे भाई भाइयों को बहुत बढ़िया लगी है, ऐसा कि मैं अपना दिल्ली ले जाऊँ इसको अगर मिल। हम हैं इस टाइम वर्ल्ड की हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे, देखते हैं ये पोस्ट ऑफिस काम करता है नहीं करता।